है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट टिप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रन अप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अगर आप एक फास्ट बॉलर हो। तो हम लोग रन अप इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे चीज़ जैसे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे पहला होता है आपका प्रॉपर रन अप होना चाहिए, दूसरा हुआ आपका जंप कैसा होता है वो डिपेंड करता है, तीसरा है आपका फॉलो थ्रू। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस टॉपिक में जो रन अप से रिलेटेड नहीं है बट फास्ट बॉलिंग से ज़रूर रिलेटेड है, तो वो अभी आपको दिखेगी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो एंड बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था कि मैं रन अप से एक अलग ही टॉपिक वाले में बताऊंगा जो फास्ट बॉलर से रिलेटेड है, वो है कि आप बॉल को कैसे परफेक्टली ग्रिप कर सकते हो। तो परफेक्ट ग्रिप करने के लिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। जब बॉल नई हो, मतलब एकदम न्यू बॉल हो या फिर सेमी न्यू बॉल भी चलेगी, तो आप बिल्कुल इसे सीम पर पकड़िए। इससे ये होगा कि जब जहाँ पर भी ये जाके बाउंस खाएगा, और अगर आप इसे स्विंग कराने का कोशिश करते हो, जैसे कि स्विंग जैसे मैंने दिखाया था वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, मैं आई बटन में दे दूँगा। स्विंग का जैसे बताया था इन स्विंग और आउट स्विंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप वैसे ग्रिप करते हो बॉल को तो, और अगर सीम पे जाके वो बाउंस खाएगी पिच पे, तो वो मतलब अगर ट्राई कर रहे हो आउट स्विंग करने का, तो मतलब सीम अगर वैसे ही जाके पिच पे बाउंस खाएगी तो बिल्कुल मतलब आउट स्विंग ही हो जाएगी वो। एंड अगर इन स्विंग करना हो तो इन स्विंग का ग्रिप करके वैसे ही करना होगा, इन स्विंग हो जाएगी। मैं ओल्ड बॉल का भी नहीं बताऊंगा, बस मैं बेसिक ग्रिप बता दिया हूँ आपको। नॉर्मल बॉल्स करने के लिए आप ऐसे ही बस सीम पे अपना उंगलियों को रख सकते हैं। होप यू कैन सी गाइस। सो अब हम लोग बात करते हैं रन अप के बारे में। सो रन अप का अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स, एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आपका रन अप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर रन अप अच्छा होगा तो ज़रूर आपके बॉल भी अच्छी होने वाली है, उसका पेस भी अच्छा जाने वाला है। तो अब रन अप अच्छा करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने स्टेप्स हैं। तो इस वीडियो में मैं फास्ट बॉलर्स एंड मीडियम फास्ट बॉलर्स दोनों के बारे में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो, सो आप भी मतलब अच्छे बॉलर बन सकते हो इस वजह से। एंड भले मैं एक फास्ट बॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ पर बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, एंड मेरे सर उन सबको टिप्स देते हैं, तो मैं भी सुन लेता हूँ कि वो क्या क्या बोलते हैं, सो उन पर वर्क भी करते हैं। एंड आई विश एंड आई एम श्योर कि आप पे भी वर्क ज़रूर करेगा वो। तो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आप ज़रूर समझ जाइएगा कि कैसे करना है आपको, क्या क्या प्रोसेस है। फ्रेंड्स, मैं दिखाऊंगा अभी आपको मीडियम फास्ट बॉलर का, एंड देन आई विल शो यू फास्ट बॉलर लोग कैसे कर सकते हैं वो वाला। बस आपको बस ये ध्यान देने का है कि आपका स्टेप्स में डिफरेंस होना चाहिए, एंड जो फास्ट बॉलर है उन लोग का जंप विकेट से और पहले होना चाहिए, एंड एज कम्पेयर टू मीडियम फास्ट बॉलर्स। तो आप वीडियो को देखिएगा, आप लोग ज़रूर समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला जो होने वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मैं डबिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था बैकग्राउंड में। एंड इसके लिए हमें दो बॉल लगेगा, एंड जैसे आप देख सकते हो मेन लाइन एंड स्टंप के बीच वाला जो हिस्सा है जहाँ पर मैं अपना पहला स्टेप रखा हूँ, एक और बार आप देख लो, जहाँ पर मैं अपना पहला स्टेप रखा हूँ उधर आप किसी चीज़ से मार्क कर दीजिएगा। एंड ये मैं सिर्फ मीडियम फास्ट बॉलर्स के लिए कर रहा हूँ। एंड उधर मार्क करके आप एक जंप ले लीजिएगा, इससे मतलब जहाँ पर आप जंप ले लीजिएगा जैसे मैं ले लिया हूँ, एंड जहाँ पर मैं बॉल रख रहा हूँ आप कुछ और उधर रख सकते हो एज यू विश। एंड सेम मैं फास्ट बॉलर्स के लिए भी करना है, बट आपको इसमें ये करना होगा कि आपको स्टंप लाइन के वहाँ से अब जंप लेना होगा, एंड जहाँ से आप जंप ले लोगे वहाँ से आप अपने नॉर्मल स्टेप्स ले लेना। एंड जब आप अपना रन अप का वो ले लोगे और जहाँ से आप अपने स्टार्टिंग करोगे उधर आप कुछ रख देना या फिर किसी चीज़ से मार्क कर देना। मैं इधर वैसे चौक से मार्क किया हूँ, आप कुछ और भी रख सकते हो जैसे जूता वगैरह रख सकते हो, तो ऐसे ही करना होगा आपको। फ्रेंड्स, ये मैं एक रन अप दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं एक मिस्टेक किया हूँ, आपको कमेंट्स में बताना है कि यहाँ पर मैं मिस्टेक क्या किया हूँ। फ्रेंड्स, जैसे आप देख चुके हो कि कितने स्टेप्स के प्रैक्टिस करने हैं, स्टेप्स के लिए मतलब अपना जितना स्टेप है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो अब मैं दिखाऊंगा कि आपका जंप जो होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए ऐसा ड्रिल, सो आप उसे करना। एंड ये आप कहीं से भी ला सकते हो, इसके लिए आप एक चेयर भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो
देखिए जरूर। सो इस ड्रिल में आपको यही करना है कि आपको एक ऐसा बड़ा चीज़ ऐसे रख देना है एंड उसके ऊपर से आपको जंप करना है। इस ड्रिल को यही करने से आपका मतलब जंपिंग अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स ज़रूर करिएगा इसको, इससे आपका जंपिंग वाला चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप एक क्रिकेटर हो और स्पेशली अगर आप बॉलर हो, फास्ट बॉलर, तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं ड्रिल दिखाऊंगा जिससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको एक चेयर लगेगा जो कि आपके नीज के हाइट के वहाँ पर हो या फिर थोड़ा सा ऊपर, हार्डली आपके पॉकेट साइज तक, उससे बड़ा मत लीजिएगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग वाला लेवल है। हार्ड लेवल करने के लिए आप पॉकेट साइज तक या फिर पॉकेट साइज से ज़्यादा वाले चेयर को भी यूज़ कर सकते हो। आपको चेयर रख देना है एंड इसके ऊपर से आपको जंप करना है। वेल ट्राइड आयुष, एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार देखते हैं कैसा होता है। इवन बेटर, गुड। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना बिकॉज बहुत मेहनत लगी इस वीडियो के लिए, शेयर भी कर देना एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सांस फूल रही है, ज़रूर कर देना एंड कमेंट करना कि कैसी वीडियो थी एंड आपको किस चीज़ पर और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताना। तब तक लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।